नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे रूप में सकार रूप में दोस्त बात करें जैसा कि बी एस एस सी इंटरलेवल मेन्स को यहाँ पे आपको हाई कोर्ट ने आंसर की और कट ऑफ यहाँ पे पीटी की एग्जाम का यहाँ पे जारी करने का निर्देश दिया है यहाँ पे बी एस एस आयोग को और बिहार सरकार को दोस्तों बता दें हाई कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि आप मेन्स ना लें हाई कोर्ट ने मेंस लेने से यहाँ पे नहीं रोका है तो क्या यहाँ पे तेरह दिसंबर को मेंस परीक्षा हो सकती है दोस्तों बता दें काफ़ी यहाँ पे लोग भी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं बी आयोग के बाहर कि मेंस परीक्षा होनी चाहिए

बस आपका आंसर की यहां पे घोषित हो जाएगा यहाँ पे हाई कोर्ट ने यह कहा कि अगर आपका आंसर की में कोई भी यहाँ पे आपको दिखता है ऑब्जेक्शन तो उसके बाद आप यहाँ पे पीटी का जो रिजल्ट है रिवाइड यहाँ पे पीटी का यहाँ पे सेल्फी पब्लिश्ड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन डिलीट होता है या मॉडल आंसर की यहाँ पे सही अल्टर्ड होता है तो यहाँ पे आएगा लेकिन दोस्तों अगर सब कुछ यहाँ पे सामान्य रहता है यानी कि जो आयोग ने आंसर की यहाँ पे निकाला है वो यहाँ पे मैच करता है सभी सही आंसर होते हैं तो आपको बता दें कि पी टी का यहाँ पर आंसर की आ जाएगा कट ऑफ आ जाएगा और जिन लोगों ने पटिशन यहाँ पर दायर किया है उन लोग का यहाँ पे मार्क्स दिखा दिया जाएगा ये सब दोस्तों होने के बाद आपका यहाँ पे रास्ता क्लियर हो सकता है लेकिन अगर यहाँ पे यहाँ पे लोगों ने ऑब्जेक्शन किया और आंसर की में कोई भी यहाँ पे संशोधित होती है आयोग के हिसाब से और ऑब्जेक्शन के बाद तो यहाँ पे पी का एक नया रिजल्ट यहाँ पर जारी करना पड़ेगा आयोग को उसके बाद यहाँ पर कट ऑफ निकलेगा आंसर के निकलेगा तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर बात करें तो हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट माननीय हाई कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आप मेन्स परीक्षा ना लें और यहाँ पे देखिए दोस्तों कि यहाँ पे आपकी मेंस परीक्षा थोड़ी

पीटी का अगर रिजल्ट फिर से आएगा तो सभी चीज़ यहाँ पर यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी लोगों को क्या यहाँ पर कट ऑफ गया था और आंसर की अगर संशोधित होता है तो फिर से पीटी का रिजल्ट आएगा और कट ऑफ भी आपको पता लगेगा कितने कैंडिडेट पास हैं कौन से कैटेगरी में तो ये दोस्त तो तो अपडेट देनी थी आपको कि थोड़ा सा यहाँ पे हाई यहाँ पे आपकी इन सब मामले में यहाँ पे थोड़ा सा मेन्स एग्जाम डिले हो सकता है तेरह दिसंबर को हो भी सकता है नहीं भी हो सकता लेकिन आयोग इतना फास्ट मेरे को तो नहीं लगता कि होगा देखते हैं दोस्तों क्या होता है थोड़ा सा एग्ज़ाम हो सकता है जनवरी में शिफ्ट हो जाए ये सारा चीज़ यहाँ पर क्लियर होने के बाद लेकिन दोस्तों बता दें हाई कोर्ट ने ऐसा कोई भी यहाँ पे नोटिस नहीं दिया है कि आप यहाँ पे रोक लगा दें अभी मेंस परीक्षा ना लें ये दोस्तों आपको क्लियर होना चाहिए कि अभी मीन्स परीक्षा के लिए रोक हाईकोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं लगाया है तो परीक्षा आपकी थोड़ी देर डिले हो सकती है सभी चीज आयोग को जब टाइम मिलेगा एडमिट कार्ड जारी करेगा और सेंट्रल एलोकेशन के बाद आपका एग्जाम हो सकता है तो ठीक है दोस्तों यहाँ पे दुआ करते हैं कि कोई भी आंसर की में आपके चेंजेस ना हो और अगर चेंजेस होगी तो पी का रिजल्ट फिर से यहाँ पे जारी करना ही पड़ेगा तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है तो बने रहें चैनल के साथ वीडियो अच्छा लगे तो यहाँ पे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही दोस्तों पल पल की अपडेट जो भी आएगी मेन से रिलेटेड यहाँ पर इंटर लेवल से रिलेटेड सभी अपडेट आपको देते रहेंगे बिहार से जुड़े ठीक है दोस्तों मिलते हैं फिर से नए अपडेट के साथ